हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फारूक सत्तार कहते हैं अब इंजीनियर्ड सियासत नहीं चल सकती। वजीर आजम आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान को खत लिखकर मुश्किलात से आगाह कर दिया। दबाव बढ़ा तो खत के मुंदरजात आम कर दूंगा। ये चैप्टर अभी बंद है। मैंने खत लिख दिया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, वजीर आजम पाकिस्तान को। फारूक सत्तार की वालदा की भी पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल और अनीस कायमखानी से एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत की अपील, कहा सब मिलकर काम करें। मुस्तफा कमाल को मैं कहती हूँ कि वो भी आ जाए, मेरे बेटी का साथ दो। मुल्क भर में हजरत इमाम हुसैन के चेहलों पर जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से दोपहर 1 बजे बरामद होगा। शहर कायद में मोबाइल फोन सर्विस बंद, मुख्तलिफ शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। पंजाब में रास्ते आज भी धुंध में गुम, जमीनी और फिजाई ट्रैफिक मुतासर, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद, स्मोक के बायस आवाम को मुश्किलात। सऊदी अरब में करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार 7 अफराद को रिहा कर दिया गया, 201 अफराद अब भी जेर हिरासत। सऊदी अटॉर्नी जनरल कहते हैं तफ्तीश से पता चला कि 100 अरब डॉलर की करप्शन मुनज्जम अंदाज में है। फ्रांसीसी सदर की रियाद में सऊदी वली अहद से मुलाकात, ईरान और यमन से मुतालिक अमूर पर